टेस्टी इंडियन फूड में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर चार तरह के छाछ बनाएंगे, तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अनार की छाछ बनाएंगे, तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। अनार की छाछ बनाने के लिए हम सबसे पहले मिक्सी जार में 1 कप दही डाल देंगे। दही डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे अनार जूस। अब हम इसमें ऐड करेंगे बर्फ, तो आप इसे नहीं भी डाल सकते, ये ऑप्शनल है। और अनार जूस को मैंने घर में ही तैयार किया है। अनारदाने और थोड़ा सा पानी लेकर इसे मिक्सी में ब्लेंड कर ले, तो इस तरह का गाढ़ा अनार जूस तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। अब इसमें चीनी डाल देंगे, तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच चीनी डाल दूंगी, आप चीनी अपने स्वाद अनुसार डालें। अब हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे एक सर्विंग ग्लास में निकाल लेंगे। अनार की छाछ तैयार है, आप इसे ठंडा सर्व करें। अब हम बनाएंगे नारियल वाली छाछ यानी कि कोकोनट बटर मिल्क। इसे बनाने के लिए हम मिक्सी जार में 1 कप दही ले लेंगे और इसमें हम छोटे कप से 1 कप पानी मिला देंगे। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नारियल का पाउडर, तो एक छोटे कटोरी से मैंने इसमें नारियल पाउडर ऐड कर दिया। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, तो चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 चम्मच चीनी डालूँगी। चीनी डालने के बाद बर्फ डाल देंगे। अब हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये लीजिए नारियल वाली छाछ तैयार है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक सर्विंग ग्लास में। हम डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश और थोड़ा सा दालचीनी पाउडर हम डाल देंगे ऊपर से, इससे टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हमारी कोकोनट बटर मिल्क तैयार है, आप इसे ठंडा सर्व करें। इसके बाद अब हम बना लेंगे पुदीना और खीरे की छाछ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सी में खीरा डाल देंगे, तो यहाँ पर मैंने 1.5 खीरा लिया है और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पुदीना के पत्ते और थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग छोटे कप से 1 कप पानी डाल दिया है। अब इसका ढक्कन लगाकर हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो ये ब्लेंड होके तैयार हो गया है। अब इसी में हम दही मिलाएंगे, तो 1 कप दही मैं यहाँ पर डाल दूंगी। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे काला नमक। इसके अलावा हम इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डालेंगे, तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है। अब लास्ट में हम नींबू का रस इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इसके बाद हम कुछ आइस क्यूब्स इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो 1/2 कप मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। अब हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। अब हम इसे एक सर्विंग ग्लास में निकाल लेंगे। तो पुदीना और खीरे की छाछ जो है बिल्कुल तैयार है, आप इसे ठंडा सर्व करें। तो चलिए अब हम बना लेते हैं नमकीन छाछ यानी कि सॉल्टेड बटर मिल्क। इसे बनाने के लिए भी हम 1 ही कप दही लेंगे और इसके बाद हम इसमें मिला देंगे 1 कप छोटे कप से पानी। डाल देंगे इसमें काला नमक, इसके अलावा हम इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डालेंगे। और डाल देंगे इसमें कुछ आइस क्यूब्स, तो चलिए इसे ब्लेंड कर लेते हैं।
नमकीन छाछ यानी कि सॉल्टेड बटर मिल्क तैयार है। इसे एक सर्विंग ग्लास में निकाल लेते हैं। आइसिंग करने के लिए ऊपर से हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर छिड़क देंगे इस तरह से, और इसके बाद हम इसमें पुदीना के पत्ते थोड़ा सा डाल देंगे। इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। डाल देते हैं इसमें कुछ पुदीना के पत्ते। तो सॉल्टेड बटर मिल्क तैयार है, आप इसे ठंडा सर्व करें। तो इस गर्मियों के सीजन में आप इस तरह के छाछ बनाकर घर पे जरूर ट्राई करें, और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से करें।